जिनका नाम है राम खिलाड़ी यादव और जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। तो मेरा कहना यह है क्या कि आपको साइकिल वाला बटन दबाना है और गिन्नौर से राम खिलाड़ी यादव को विजय बनाना है। घोसली राजा ले काम देखो कहिए के मरद ध्यान बिसरना हरे जाय। अरे पिता कुमार सेना इनके कहिए के मरद सुनियो ले ध्यान लगाय। चंद्रपति है भैया सुन लियो अर्ज हमारे। दोस्तों कुमार सेन और मां का नाम चंद्रपति देवी, इनके बेटा राम खिलाड़ी यादव गांव घोसली राजा, और दोस्तों ऐसा ही नहीं है तो जब 1996 में इलेक्शन लड़े हैं तो मनोज भैया हुआ क्या? अरे अच्छे अच्छे कसूर पछाड़े के फिर एमएलए जी बने ही आए। और दे तो पार रहे रे एमएलए के भैया ध्यान बिसरना रे।
हमारा तो सुन लियो अरे जा हमारे अरे अब के अखल से याद बजीने के सापा के दिनो की दल दल में गाड़ी अब जीतेंगे राम खिलाड़ी जा अब जीतेंगे राम खिलाड़ी ए भैया पंजाब आरे की दल दल में गाड़ी वे अब के जीतेंगे राम खिलाड़ी सब पत्थर देंगे बेड़ा यादव जी को साइकिल का बटन दबाना है और इनको लखनऊ पहुंचाना है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक चर्चा आपको बता रहा हूं कि माननीय राम खिलाड़ी यादव ने मुलायम सिंह यादव जी से जाकर के कहा कि हमारे क्षेत्र की जनता के सामने कुछ समस्या है और कौन से काम करवाए। काम तो बहुत थे दोस्तों, लेकिन एक बहुत ही संक्षेप में आपके आपको बता रहा हूं और गौर देंगे। अरे उत्तर प्रदेश में मेरे भैया कब बन गई सापा की रे सरकार।
समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अरे क्षेत्र के किसान ले पहुंचे भैया राम खिलाड़ी ते कहिए सुनाए। क्षेत्र के किसान बबराले आकर के राम खिलाड़ी विधायक जी से कहने लगे कि माननीय विधायक जी हम देखते हो हमारे क्षेत्र में गन्ना कितना होता है लेकिन कोई मिल नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है माननीय विधायक जी। तो राम खिलाड़ी विधायक जी ने कहा करे भैया जा रहा हूं लखनऊ नेताजी से बात करूंगा। तो होने क्या लगा राम खिलाड़ी यादव के प्रयासों से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुलवाया और क्या होने लगा। चुनामई में खुलवाई और कन्या इंटर कॉलेज मेरा भैया घोसली में देखे दिए खुलवाए। रोड पे जो बस स्टैंड बनवाए दो यादव ने। जब एमएलए नहीं थे तो इतने काम कराए और जब एमएलए बन जाएंगे तो भैया आपके क्षेत्र में विकास की गंगा ही बह जाएगी।
चौबीस घंटा बिजली मिलती थी, घर में दमक दमक रह जाए। ये तो रोज पढ़ना जाए। गली चौराहे और तिराहे पे सुंदर नलजी तो देख कमाए, बड़े बड़े काम करे ही नेता ने के मुंह पे तरे कहीं नहीं जाए। अब अकेल लड़ रहे एमएलए तू कदयो साइकिल पाई बटन दबाए, राम खिलाड़ी अकुरे जितवाए देव के मेरी अपनती है बारंबार। राम खिलाड़ी आए गए हैं, राम खिलाड़ी आए गए हैं रे साइकिल पोई बटन दबाइयो। अब तो राम खिलाड़ी आए गए हैं साइकिल तो बटन दबाइयो, साइकिल पो बटन दबाइयो रे तुम इनई सफल बनइयो, साइकिल तो बटन से कहकर के गिन्नौर क्षेत्र में कितना विकास करवाया है माननीय राम खिलाड़ी यादव ने, और एक चर्चा आपको सुना रहा हूं। गिन्नौर क्षेत्र में मनोज भैया बाढ़ आ गई थी, अच्छा, और सब जानते हैं, लेकिन होने क्या लगा था गौर देंगे मेरी बात पर। थोड़ी सी एक चर्चा बाढ़ की और तुमको यार सुनाई रहे, कब बाद टूट गया गंगा को जब लोग सभी घबराए रहे। इतना पानी भरा लोग घर से बाहर हो गए,
और पूरी जनता इकट्ठी हो गई तो रात के 10 बजे और उनको याद आई, और याद किसकी आई, राम खिलाड़ी यादव की। तो फोन उठाया और राम खिलाड़ी यादव को मिलाने लगे। बचेंगे प्राण हमारे विधायक दिया, सुन लियो ध्यान लगाए, राम राम ले आज हमारी भैया, सुन लियो ध्यान लगा, जनता रो रही है रे गिल्लोर की, भैया सुनियो अरज हमार, जनता ने कहा माननीय विधायक जी अब हम नहीं बचेंगे, हमारे घरों में पानी आ गया, अब हमारा जीना बेकार है, अब कैसे बच पाएंगे हम। और 10 बजे जब राम खिलाड़ी यादव को फोन मिलाया तो होने क्या लगा, को दिया है। और फिर राम खिलाड़ी यादव की बात सुनकर के बेटा अखिलेश क्या करने लगे, चिंता मत करना,
आराम से रहो, जहां तुम होगे वहीं मैं हूंगा। और राम खिलाड़ी ने और क्या काम किया, उनसे बात की। और उनके बाद में राम खिलाड़ी जी ने तुरंत फोन को उठाया और किसके लिए मिलाया है भैया, किसके लिए? अरे सांसद अपन एक के धर्म में अंदर यादव उन्हें कूद है जी फोन मिला। और जो कछु बीती है रे जनता देखे सब एमपी को दिए सुनाए। नेताजी को बताया और धर्मेंद्र यादव को बताया, क्षेत्र की जनता परेशान है, पानी ही पानी आ गया। उधर तो धर्मेंद्र यादव दिल्ली से और सीधे गिन्नौर के लिए चल देते हैं। और दोस्तों चर्चा तो काफी देर की है यहां पर, लेकिन संक्षेप में कह रहा हूं, कोई बटन दबाए दूं